पीछे पीछे भाग रहे हैं गाड़ी के। ओ भाई साहब क्या बात है, वो देख खड़ा कैसे हुआ बीच में ये वाला। बादल देख देख के मजा आ रहा है, देखो बादल नीचे और हम ऊपर हैं। बल्टी भाजी मजाक मत करो यार, कह रहे यार पानी में लेके जा रहे हैं। तो पानी में ही तो होता है वो हाउस बोट। अंदर चल रहे हैं जी हाउस बोट के। हाँ जी टाइम हो गया जी 8:15, लेट हो गए और बाहर बारिश आ रही है। नजारा देखो पूरे बादल ही बादल। सत श्री अकाल, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। नए दिन की नई शुरुआत हो चुकी है। अभी हम कटरा के अंदर है, यहाँ से आगे का अचानक प्लान बन गया है कि हम श्रीनगर चल रहे हैं। बारिश हो रही है, किसी कारण ना जा पाए वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तक यही प्लान है कि हम एक दिन के लिए श्रीनगर चल रहे हैं। और सब रेडी हैं, रजिंदर बाजी भी रेडी हैं, बंटी बाजी, दिलीप सब रेडी हैं। और यहाँ पर होटल में ही ना भंडारा चल रहा था, तो सुबह सुबह जो है हमारा ब्रेकफास्ट यही हो रहा है। आलू पूड़ी आ गई है और हलवा भी है, तो यही प्रोग्राम चल रहा है। अब यही खाएंगे सुबह और फिर चलते हैं हम चाय पीने। देखो जी बारी लगा हुआ है भंडारा, आज ब्रेकफास्ट जो अपना भंडारे से ही हो गया, आलू पूड़ी और हलवा। बैग रेडी है जी, आगे चल रहे हैं और गाड़ी निकाल रहे हैं हर्ष कुमार जी। बाहर बारिश आ रही है, गाड़ी आ गई है, इधर सामान रखते हैं और आगे चलते हैं। आजी बाजी जी ठीक है? हाँ जी ठीक है जी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। चलो रेडी हो ना? ओ चलिए कश्मीर फिर चल रहे हैं श्रीनगर। हाँ जी हाँ जी चलो। वो बारिश जो है ना बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, फुल बारिश चल रही है। ये देखो पूरी सड़कें गीली। अब यहाँ से मार्केट से बाहर निकल रहे हैं भाई। पहाड़ों का व्यू बार बार देखने का मजा ही अलग आ जाता है, क्या बात है। मौसम ठंडा भाई साहब, पूरे रास्ते में देखो बंदर बैठे हुए हैं, बंदर ही बंदर। गाड़ी रोकी थी जी, राजेंद्र भाई ने ब्रेड ली है, कह रहे बंदरों को ब्रेड डाल के फिर चलेंगे। तो जी टमाटर भी डाल रहे हैं जी, और देखो वो सामने से भागते हुए आ रहे हैं सारे। गाड़ी रुकते ही उनको पता लग गया कि राजेंद्र पाजी आ गए ब्रेड लेके। देखो सारे भागते हुए आ रहे हैं कितनी तेजी से, देखो कैसे पकड़ रहे हैं एक ही बारी में सारी। आजो आजो, उधर दिलीप डाल रहा है सामने, और वो देखो लड़ रहे हैं आपस में, पाजी क्या करा रहे हो। एक और ही बात, टमाटर देखो कितने मजे नाल खा रहे हैं। आगे हमें और मिल रहे हैं, अब ये टमाटर डाल रहा हूँ मैं, ले भाई। ओ देखो ओ भाई साहब टमाटर ले गए सबसे पहले, भाग गया ओ, भाग गए भाग गया, पीछे पीछे भाग रहे हैं गाड़ी के। ये देखो ओ भाई भाई साहब, इधर देखो पूरी पूरी की पूरी पलटन है, मजा आ गया भाई। उनको खाने में मजा आ रहा है और हमें खिलाने में। ओ भाई साहब क्या बात है, वो देख खड़ा कैसे हुआ बीच में ये वाला। मस्त तरीके से और बट रविंदर भाजी को मजा आ रहा है सबसे ज्यादा। हाँ छीन नहीं रहे, जिन्हू जो मिल गई मिल गई। देखो बड़े बड़े सारे बंदर सी है वाले कट्ठे है ना, झुंड सी का। अब मौसम जो है ना मुझे लग रहा है और खराब होता जा रहा है। ऊपर की साइड देखो बादलों के, मतलब बादल कैसे घिर गए हैं पूरे। यहाँ पहाड़ी नजर आ रही है और उधर देखो दूर जिस तरफ जाना है। हाँ जी अब हम रुके हैं चाय पीने के लिए, सुबह हमने चाय नहीं पी थी तो इसलिए अब रुके हैं, चाय पीते हैं और चलते आगे। टाइम जो है ना अभी हो गया है 12:30 और मौसम ऐसे है कि मैं क्या ही बताऊं, बाहर निकलते ही ठंड लग रही है, मस्त मौसम है। हमने तो चाय पीनी है जो नॉर्मल चाय दूध वाली, ये भाई देखो लेमन टी, मजे ले रहा है, ये अलग ही दुनिया में चल रहा है। मौसम अच्छा है ना इसलिए कोई कुछ भी कर सकता। चाय आ गई है बिस्किट के साथ। कितनी दूर से ये ट्रक की लाइन लगी हुई है, 1.5 किलोमीटर हो चुका है और ये ट्रक की ट्रक खड़े हुए हैं। ये डे बाई डे चलते हैं जी, आज इनका जाने का दिन नहीं है, आज उधर से ट्रक के आने का दिन है, कुछ ऐसा सिस्टम है। या आगे चुंगी है क्या है अभी पता लगेगा, आपको बताते हैं। बहुत देर से देख रहा हूँ मैं, पिछले 1.5-2 किलोमीटर से कि ट्रक की ट्रक खड़े हैं और आगे पता नहीं कितनी दूर तक खड़े हैं। देखो ट्रक के पीछे लिखे है सिद्धू मूसेवाला,
जम्मू कश्मीर नंबर है, फेमस है भाई हर जगह सिद्धू मूसे वाला। भाई पहाड़ों के नजारे देख देख के ना मजा ही आ रहा है, मस्त व्यू है, बहुत बढ़िया व्यू। और रोड जो है ना डबल हो चुकी है, दोनों मतलब अलग अलग चल रही हैं, आने की अलग जाने की अलग। अभी नई बनी है ये रोड, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। सब रास्ते में झरने देखो कितने आ रहे हैं, अभी तो छोटा आया, पीछे एक बड़ा आया था तब हमारी वीडियो ऑन नहीं थी। हवा में खड़े देखो सही, ये देखो नीचे गिरे हुए हैं, ये लैंडस्लाइड एरिया है। ये देखो पूरे अटके हुए ने बस, ये देखो रोड पे पत्थर ही पत्थर गिर रहे हुए। टोल आ गया जी, अब आगे जो है ना टनल आने वाली है, जो नई टनल बनाई है। पहले श्रीनगर जाने के लिए पटनी टॉप से होके जाना पड़ता था, अब सीधा टनल से होके जाएंगे। जो 35-40 किलोमीटर का रास्ता था वो 9 किलोमीटर में हो गया, मतलब 9 किलोमीटर में पूरा हो जाता है। इस टनल स्टार्ट हो गई है जी, और ये 9 किलोमीटर की टनल है। वाह जी वाह, इतनी लंबी टनल देखो जी, टनल कितनी शानदार बना रखी है अंदर से, नीचे भी पूरी लाइटिंग कर रखी है, ऊपर भी स्पीड लिमिट दी हुई है जी 50 की, लेकिन गाड़ी वाले मानते नहीं है, पीछे से हॉर्न बजाई जा रहे हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया टनल, लाइटिंग देखो कितनी शानदार है, ऊपर भी जल रही है और साइडों में भी जल रही है। देखो जी हमारे आगे एक भी गाड़ी नहीं चल रही है, और वहां से देखो कितनी सारी गाड़ियां आ रही हैं, क्या बात है। इस टनल के अंदर जो है ना आप मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह नहीं लेके आ सकते, साइकिल वाइकिल खाली कार फोर व्हीलर ही अलाउड है खाली। लो जी 9 किलोमीटर खत्म हो गए और हम टनल से बाहर आ गए। पहले जो है पटनी टॉप घूम के जाना पड़ता था। भाई साहब ओ वाह भाई वाह, बाहर आते ही नजारा देखो, पहाड़ ऊपर ओ बादल नीचे, क्या बात है, देखो कितना मस्त व्यू है। लो जी सिंगल रोड हो गया, अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, और ऊपर की साइड देखो बिल्कुल भी कुछ नहीं दिख रहा, ओहो पूरे बादल ही बादल हो, बढ़िया व्यू है, और कितनी दूर तक पहाड़ी दिख रही है, गहरी कितनी है, गड्डियां कितनी है, वो देखो वो दूर दूर दिख रही है, छोटी छोटी गड्डियां काफी दूर है, खिलौने दिख रहे हैं। हमारे लेफ्ट साइड में जो है ये चेनाब रिवर चल रही है, और पानी जो है ना अभी गंदा आ रहा है, मेरे ख्याल इसमें मिट्टी विट्टी हुई पड़ी है, पूरा ब्राउन हुआ पड़ा पानी। थोड़ा सा खुला एरिया आया था, यहाँ पर रुके हैं, टांगे वांगे सीधी हो जाए, बड़ी देर से बैठे हुए थक गए थे, तो बिल्कुल चेनाब रिवर के साथ में खड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा फ्लो है, पानी थोड़ा सा मिट्टी वाला आ रहा है, क्योंकि बरसातें चल रही हैं ना, बारिश के दिन है, इसलिए थोड़ा सा पानी गंदा सा आ रहा है, फ्लो बहुत अच्छा है, और पहाड़ों का व्यू मज़ा ही आ रहा है, मज़ा इतना बढ़िया व्यू है ना कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन ये जो स्पेस है ना खुला, यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती रहती हैं, और लोग देखो यहाँ पे रुक के ना ये गंद मचाते रहते हैं, लोगों को समझ आनी चाहिए यार इतना बढ़िया व्यू है, कम से कम ये कूड़ा तो ना फैलाओ। हाँ जी तो आगे का सफ़र तय करते हैं, चाय पानी हो गया भाई। ये रास्ता जो है ना थोड़ा सा ऑफ रोड है, ये गड्ढा लग रहा है, थोड़ा सा आराम से निकालो, और सामने देखो बिजली का तगड़ा वाला प्लांट लगा हुआ है, ये बहुत जबरदस्त, वो बिल्कुल नदी के बिल्कुल पास में ही है, क्योंकि आगे जो है ना रोड खराब है, सब इधर दबा रहे हैं गाड़ी। ओ भाई ऊपर से आ रहे हैं पत्थर, वो रोड पे आगे गिरे हैं अभी अभी, और आ रहे हैं भाई सब निकाल लो, वो देखो वो गिर रहे हैं, हाँ ये देखो ये देखो गिर रहा है, गिर रहा है, ओ भागो 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 भागो। नजारे जो आंखों से देख के नजारों का मजा आ रहा है ना, मतलब मेरे ख्याल से उतना ना ये वीडियो में या कैमरे में मतलब उतना कैप्चर नहीं हो पा रहा। तो जी एक टनल और आ गई है, अभी इसका कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है,
और इसमें तो अभी कोई लाइटिंग भी नहीं है, और हमारे शीशे में ना बार बार गंदा इसलिए हो जाता है कि बारिश पड़ती है ना तो उससे मिट्टी भी उड़ती है तो वो चिपक जाती है, गंदी हो जाता है शीशा बार बार। देखो अभी इसमें लाइटें भी स्टार्ट नहीं हुई है, ये टनल आई है रास्ते में रामबान के बाद। हाँ जी, तो बहुत ऊपर तक आ चुके हैं हम लोग, जो नदी है ना वो काफी नीचे जा चुकी है। अब मैं दिखाऊं कैसे आपको, ये अब आएगा बादल देख देख के मजा आ रहा है। देखो बादल नीचे है और हम ऊपर हैं, क्या बात है जी। तो बहुत तगड़ा वाला जाम मिल गया, अब देखो कितनी देर का है क्या नहीं है। अपने मोबाइल में तो दिखा रहा है कम से कम 1 घंटे का जाम, अब देखो आगे चलते हैं और धीरे धीरे देख के आता हूँ। और इस साइड में जो है ना रिवर, बहुत बढ़िया लग रहा है नज़ारा, बहुत बढ़िया है व्यू देखो। भाई बहुत ही तगड़ा जाम है ये तो, बड़ी दूर तक निकल आया हूँ मैं पैदल ही पैदल। ओ भाई साहब, ओ देखो, ओ जहाँ तक देखो नजर मारो जाम जाम है। पहाड़ों में आओ तो भाई जाम का कोई पता नहीं है कहाँ पे मिल जाएगा, कितनी देर का मिल जाएगा। हाँ जी, तो मैं अभी आगे जाके पूछ के आया हूँ, तो बता रहे हैं भैया कि भाई लैंडस्लाइड हो गई है, तो ये पता नहीं अब कितनी देर लगेगी, कितनी देर में वो खाली करेंगे, क्या होगा, तो इसलिए अब यहीं गाड़ी में बैठना पड़ेगा। चलते चलते मैं बहुत आगे तक चला गया था, चाय पीने के लिए मन था, ठंड बहुत ज्यादा, हवा अच्छी चल रही है, तो भाई चाय बनवाई है भाई से, भाई मैगी बना दी, नाल मैगी भी, हाँ दो मैगी बना दे, चाय दे दे वधिया जी। 1.5-2 घंटे हो गए हैं और मस्त वाला मौसम हो चुका है। मेरे पीछे देखो बहुत ही शानदार मकान बना हुआ है, एक इधर एक इधर, और आपको व्यू दिखाता हूँ। तो ये ग्रीन ग्रीन से पहाड़ इधर, और वो पीछे देखो उसका कलर ही चेंज हो गया है क्योंकि मौसम के साथ ना, वो देखो पीछे पहाड़ कलर ही चेंज हो गया मौसम के साथ साथ ना, देखो वो काला काला सा दिख रहा है, और इधर हरियाली, पूरे हरियावल वाले पहाड़ हैं, और नदी पास होने की वजह से ठंड इतनी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त है मैं क्या बताऊं। हाँ जी, तो जैकेट कोई लाया नहीं है अब, ये मैं एक जैकेट लाया था, बाजी को ठंड लगने लगी देखो, मैं पहले तो इनको पहना दिया है क्योंकि हाफ बाजू टी शर्ट लाए थे ये, मैंने कहा था फुल स्लीव्स वाली ले लेना, हमें इतनी फुल स्लीव्स में भी ठंड लग रही है कि क्या ही बताऊं। दिल दानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसे वाला, देखो जम्मू कश्मीर दे लोगों दे दिला दे अंदर वसिया होया, वैसे दे सब दे दिला दे अंदर है, पर देखो इत्थे गड्डियां काफी जगह लिखा है फोटो और लिखा होया। भाई साहब पहला पहाड़ दिखा अभी जो ऊपर ऊपर बर्फ है, तो इसका मतलब है कि हमें आगे श्रीनगर में बर्फ मिल सकती है, वहां नहीं मिलेगी तो कोशिश करेंगे गुलमर्ग चले जाए। ये लैंडस्लाइड हो गई थी पूरा, यहाँ रोड तक आ गया था, अब ये सारी गाड़ियां खड़ी हैं, जेसीबी खड़े हैं, हाँ ये नीचे फेंका इन्होंने मलबा, ये देखो ये सारा इधर बंद हो गया था थोड़ी देर पहले, ये लैंडस्लाइड थी इसकी वजह से पूरा जाम हुआ पड़ा था। हाँ जी, जगह आ गई है बनिहाल, और अभी भी जाम लगा हुआ है इधर, 5-7-10 मिनट अभी भी यहाँ हो चुके हैं हमारे को खड़े हुए, देखो कितनी देर और रुकना पड़ेगा। लो जी टोल आ गया, हाईवे मस्त है, बहुत बढ़िया 4 लेन हाईवे हो चुका है, पीछे जो है ना बनिहाल तक सिंगल था, रोड भी बन, मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, काफ़ी रोड बन रहा है, और अब टोल आ गया है आगे सारा जो है श्रीनगर तक 4 लेन। लो जी टनल आ गई है, नेशनल हाईवे टनल, बनिहाल टनल बोलते हैं या जो भी, काफ़ी लंबी टनल आई है और लाइटिंग भी बड़ी मस्त चल रही है अंदर, रोशनी देखो कितनी मस्त है, 6 किलोमीटर की, हाँ 6 किलोमीटर होगी, लिखा था तो पक्की होगी बहुत लंबी है जी, 6 किलोमीटर की टनल है और बहुत बढ़िया टनल है, और हमारे राजेंद्र भाई देखो सो रहे हैं, देखो हिलते जा रहे हैं, खराटे मारने स्टार्ट हो गए हैं, टनल से बाहर आ गए, और जब
इस साइड से टनल में एंट्री करते हैं तो ये वो टोल गेट बना हुआ है। आगे जाम है, क्या है आज जो है ना, जाम डे है, सारा जाम ही जाम मिल रहा है। आगे भी बहुत दूर तक जाम लगा हुआ है, देखो वो देखो कितनी दूर तक जाम लगा हुआ है। ओहो भाई साहब बहुत लंबा जाम है, बहुत दूर तक। हाँ जी, तो रास्ते में भूख लगी है भाई, रात का टाइम हो गया है 9 बज गए हैं और हमने ली है दाल आलू गोभी और रोटी, खाते हैं और आगे चलते हैं। श्रीनगर रह गया जी यहाँ से 50 किलोमीटर। आओ जी आओ बैठो भाई साहब, ये जाने वाला जाम लगा हुआ है श्रीनगर से और ये आपका बनिहाल की तरफ बहुत जबरदस्त जाम है। देखो ट्रकों का पीछे 3 किलोमीटर से देखते आ रहे हैं और आगे पता नहीं कितना ही ज्यादा लगा हुआ है। ठंड लग रही थी तो ये रास्ते में अभी फिलहाल ढाबे पे ली है शॉल, थोड़ी सी ठंड तो रुके, पेट्रोल डलवा रहे थे, टैंक फुल कराया। देखो अब कब खत्म होता है, आने वक्त होता है या श्रीनगर से आगे घूमने में हो जाता है। अभी पता ही नहीं है कितने दिन के लिए आए हैं, 1, 2, 3 जो भी होगा। लो जी पहुंच गए हम श्रीनगर, डल लेक की रोड पे घूम रहे हैं, ये सामने डल लेक है। अब इधर सुबह जाएंगे, देखेंगे क्या है, पहले होटल देखते हैं, कोई होटल मिल जाए तो चलो जी ये होटल में देख लेते हैं रूम, क्योंकि बंटी पाजी नहीं जा रहे उसमें बैठने के लिए, डर रहे हैं तो क्या करें। तो फाइनली डिसाइड हो गया है जी, हाउस बोट में रुकेंगे, अपने बैग वैग ले लिए हैं सबने, गाड़ी पार्किंग में लगाने जा रहा है हर्ष कुमार, लगा के आता है। तो आगे चलते हैं, इस बोट में बैठेंगे डल लेक में, वो उधर है हाउस बोट। बल्टी भाजी मजाक मत करो यार, कह रहे यार पानी में लेके जा रहे हैं। तो पानी में ही तो होता है वो हाउस बोट, 60 फुट गहरा बता रहा है, 70 फुट 80 फुट, 100 फुट गहरी है, ज्यादा नहीं है, 100 फुट के अंदर गहराई के अंदर। अरे कुछ नहीं हो रहा। और अब हम चल रहे हैं हाउस बोट में और धीरे धीरे हम बैठने जा रहे हैं। भाई बंटी भाजी जैसे तैसे आ ही रहे हैं, आराम से बैठ जाओ, बस बैठ जाओ, हिलो मत, अगर आपको डर लग रहा है तो आराम से बैठ जाओ। क्या बात है भैया ने आपको कैसे बढ़िया तरीके से बिठा दिया, सामान समून नहीं, आ जाओ अब आप आ जाओ। हाँ जी हाँ जी बैठ गए जी, अब हम चल रहे हैं जी हाउस बोट में। चलो जी भैया हाउस बोट ले चलो, चलिए चलिए, क्या बात है। और रजिंदर भाजी मजे हैं? कुछ नहीं होता, जो भी है। हाँ जी बल्टी भाजी ठीक हो? भाई साहब मजा आ रहा है, क्या बात है, रात के नजारे ही अलग है, टाइम हो रहा है जी 12:45 और हम जो है अभी यही डिसाइड कर रहे हैं कि मैं ही कह रहा अब यही डिसाइड कर रहे हैं अभी कि हाउस बोट में सोएंगे या रिजॉर्ट में सोएंगे, हाउस बोट ना, हाउस बोट सोएंगे। चलो चलो चलो, ये सामने नेहरू गार्डन और आगे आ रहा है हाउस बोट अपना, ये सामने। लो जी पहुंच गए हम हाउस बोट में और आराम आराम से चलो। लो जी बाहर बैठने के लिए भी जगह है और शू बाहर उतार दिए हमने सबने, अंदर चल रहे हैं जी हाउस बोट के। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया बना हुआ ये सिटिंग एरिया और आगे ये डाइनिंग एरिया आ गया जी। डाइनिंग एरिया के बाद बेडरूम है, ऊपर स्टेयर जा रही है, अभी बंद किया हुआ है। ये आगे आ गए हम, क्या ये रहा जी, एक बेडरूम इधर है और दूसरा बेडरूम आगे है। Yeah,
ठीक है वाईफाई अवेलेबल है और इधर वॉशरूम ठीक है। अरे यहाँ आ गया तो ठीक है ना। और इधर से बार बार का व्यू है इधर से। अभी इधर वो बंद किया हुआ है पूरा। ठीक है जी, सामान ले आओ। हाँ जी, तो पहुंच गया रूम में, हाउस बोट के अंदर है अपना, बिस्तर भी सेट हो गया, आराम से बैठे हैं। पाजी अरी दूसरे रूम में है और मेरे साथ दिलीप और हर्ष कुमार उस बेड पे हैं। और बहुत थकावट हो गई, अब सो रहे हैं सीधा। तो वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी थी। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।